सरकार तो कह रही है हम एक गाय पे 900 करोड़ रुपए का बजट देते हैं हर महीने। जाके घर में खोलिए, बाय बजट मिल रहा हूँ, हमें थोड़ू ना मिल रहा हुआ। फिर आदमी कहता है कि 2000 दे रही है कि सरकार, 2000 से ज्यादा का तो नुकसान हो रहा है हमारा। हम बीजेपी में वोट नहीं देंगे, यहाँ से हाथ जोड़ रही है। और बताओ, मोदी जी जो कह रहे हैं कि बहुत हमने रोजगार दिया है, बीजेपी से हमारा गांव पूरा खपा है, पूरा गांव खपा है बीजेपी। भैया हम तो अपन सपा में वोट देंगे, पंडित आदमी है, झूठ कहते, 3 वोट है, खरे वोट है सपा के। पेपर लीक हो कैसे गया जब तुम्हारी सरकार इतनी मुस्तैदी से चल रही है, तो पेपर लीक हो कैसे गया इस चीज का जवाब दो हमें। यार जब ऊपर से नीचे तक 100 में 100 बज्जुर बेईमान, फिर भी मेरा देश महान वाला नारा लगेगा तो 400 के 800 पार हो जाएगा। राहुल गांधी आज का क्या लग रहा है, राहुल गांधी से कुछ उम्मीदें हैं? वो तो कह रहे बड़ा काम कर दिया किसानों की, बड़ी मदद कर दी किसानों को, पैसा दे दिया, घर दे दिया। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पे वोट पड़ेगा। अभी केजरीवाल को बंद कराया उन्होंने, किस मुद्दे पे बंद कराया? तो इसके चक्कर में तो फिर सरकार को भी जेल जाना चाहिए, योगी महाराज को, वो क्यों नहीं जाते जेल? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया, विकास के गंगा बहा दी है, राम मंदिर बना दिया है, काशी विश्वनाथ बना दिया है। अति दैवन मारा गया, पुलिस की इतनी मुस्तैदी में अति दैवन को गोली कैसे मार दी, कैसे लगी, कैसे मारी गोली बताओ? पुलिस की इतनी कस्टडी होते हुए भी गुंडा था, तो ये भी तो गुंडे है, गुंडा है कौन नहीं, पुलिस कस्टडी में मरवा रहे हैं। ये तो सब बड़ा गुस्सा है बीजेपी से यहाँ पे सब। घंटा बनवा दिया मोदी जी ने, मोदी ने क्या बनवाया, वो तो केंद्र से है, कोर्ट से 150 ले आए, वो भी बहुत है। राशन दे रहे हैं, वो राशन दे के ही लूट रहे हैं किसान को। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, और वो सर वो उसका नाम क्या, नवी जिंदल कोयला घोटाला करके उसको अपनी पार्टी में ले लिया उसको। 400 किलो RDX आया था पुलवामा अटैक पे, वो अभी तक पता नहीं लगा कहाँ से आया है। जूता सराय के रखे है भाई साहब, और बता माला दिखा रहे ना, बीजेपी वालों आए वोट मांगे, अगर दरवाजे पे आओ तो जूता ही माला डाल रहे हैं। एटा कासगंज लोकसभा में लड़ाई बेहद दिलचस्प है। बीजेपी से राजवीर सिंह तीसरी बार लोकसभा जाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि देवेश साक्य उनकी राह में कांटा बनकर खड़ा हो गए हैं और भरपूर चुनौती दे रहे हैं। तो सड़क किनारे कुछ जनता जनार्दन मिल गई, लोग बैठे हुए थे, तो अभी चाय तो नहीं है लेकिन चुनावी चर्चा कर लीजिए बिना चाय के ही। क्यों भाई, क्या नाम है? चाय ना, गौरव मिश्रा साहब। मिश्रा जी क्या माहौल है? माहौल तो बहुत बढ़िया, गईया सदरी सब खाई जा रही हैं, और क्या 2000 मिलते हैं, 20000 खाई लेती हैं गईया, और क्या नाम कौन सी बुराई है भैया, 2000 मिलता है किसानों को, 20000 गईया खा जाती हैं, और क्या होनो। यानी हमारा जानवर बहुत परेशान है। क्यों, हर आदमी परेशान है, हम का अकेले परेशान है। तो सरकार तो कह रही है हमने गौशालाएं बनवा दी, उसमें रख रहे हैं गब, अब मुंह से गाड़ी निकल पड़ेगी। बैल तो मुझे गाली वाली मत देना, गौशाला में गईया ले चल रहे, देखो कितनी गईया मर रही है रोड डेली गर्मी के कारण, कोई जातो मैं देखने के लिए गौशाला में कितनी मर रही हैं, कोई पानी पे अनवारो ना है गौशाला में। सरकार तो कह रही है हम एक गाय पे 900 करोड़ रुपए का बजट देते हैं हर महीने। जाके घर में खोलिए, बाय बजट मिल रहा हूँ, हमें थोड़ू ना मिल रहा है, वरना अगर गौशाला ढंग से भी पालें तो गैया खेत में क्यों मिले, गौशाला में ना मिले। भ्रष्टाचार हुआ जा रहा पैसे का, क्यों हो नहीं रहा है, क्या नहीं हो रहा बताओ। मैंने सही कह रहे हो, कई जगह ये देखने को मिला है सब चीजें भाई। अभी आप निगाह उठा के अभी हम आपको इधर ले चल रहे, 10 मीटर ले, 100 मीटर ले चल रही है आपको, दिखाओ गैया दिखाएंगे इधर 100 मीटर ले चल रहे गैया, एक एक खेत में 33-35 गाय दिखाएंगे, सब फसल बर्बाद कर दे रही तो और क्या बर्बाद कर रही, फसल हमारी लोगों की बर्बाद हो रही है। फिर आदमी कहता है कि 2000 दे रही है कि सरकार, 2000 से ज्यादा का तो नुकसान हो रहा है हमारा। कटीले तार और नहीं लगाए, कुछ तारबंदी नहीं करी? कटीले तार लगा दो तो सरकार ने बैन कर रखे कटीले तार, झटका मशीन लगा नहीं सकते, कटीले तार लगा नहीं सकते, तो फिर क्या लगाएं बताओ? जानवर घायल हो जाता है उसमें घायल हो जाता, हम पे उल्टो केस होएगा, मुसीबत डबल है भाई। हम लोग किसान आदमी हैं, अगर हमारी मजबूरी नहीं सुनी जाएगी तो किसकी सुनी जाएगी? सही बात है, आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। आवारा पशु हर चीज से समस्या है भाई साहब, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे परेशानी नहीं है, हर चीज से परेशानी बीजेपी में। कैसे और कौन सी परेशानी है? और कौन सी? राशन मिल तो भाई साहब हमें 20 किलो 4 यूनिट है, तोले में 17 किलो रह जाते हो, 3 किलो कहाँ चलो जाते हो, तोली करता है। अब बताओ तोलन वारो जाने, हमें तो 17 किलो मिलते है, 3 किलो मार देता है। अब बताओ सरकार जाने, हमें कहाँ जाने वहाँ में। नहीं जाहिर बात है, वो जो राशन वाला होगा वो मार देता होगा। वो तो बिल्कुल मारेगा। अब बिन से को का कहे भैया, हमें गांव में रहना, मथुरा में रहे हैं तो राधे राधे कहे। तो सरकार तो कह रही है कि हमने बड़ा विकास कर दिया है, सरकार लोगों का विकास करे, एक काम करो सरकार हमारे घर ले आओ, 5 किलो राशन बांट देंगे, 2000 की जगह 4000 रुपया महीना देंगे भाई, ठीक है, हमारे खेत में काम करे आके, चलो खेत रखा केवल रात में और दिन में परे परे हो भाई, 4000 रुपया महीना देंगे पन्ने के। और बोलो क्या नाम बताए थे? गौरव मिश्रा। मिश्रा जी
तो क्या लग रहा है? लेकिन जनता, वो सरकार तो कह रही है कि इसी, आप कह रहे हो इतनी कमी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं आपकी बीजेपी में वोट नहीं देंगे, यहाँ से हाथ जोड़ रही है। और बताओ, इतना दुखी हो? दुखी यार, हर किसान आदमी का दिल दुख रहा है। और क्या लोगे यार, कि किसान कहाँ से सुखी है बताओ? आप कह, आप तो कह देते हो कि 2000 दे रहे हैं, लेकिन 20000 का नुकसान हो रहा है, वो कौन झेलेगा? फसल तुम बो के घर नहीं आ पाओगे, उससे पहले खाने वाले 50 है, क्या करे फिर किसान बताओ? कर्ज ले लेके मरा जा रहा लगा लगा के। लेकिन वो तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। मैंने किया, हम मुँह से गाड़ी निकलते हैं भाई साहब, तुम काम काम में मीडिया से तुम मुझे क्या गाड़ी कपड़ी मीडिया को दही यार, गाली वाली नहीं। निकाली वो चीज़ देखो, से बात कर सकते हैं नहीं, शांति से ही कर रही है। देखो 400 पार वाला आंकड़ा ऐसा है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम है। बैलेट पेपर से चुनाव कराओ कितना देखें, पर 400 पार कहाँ है बोलो? हर अधिकतर जनता ये कहती है कि पेपर से चुनाव होना चाहिए। हमारे यहाँ पटियाली में चुनाव हुआ लोकसभा का, चेयरमैनी का चुनाव हुआ, तो पटियाली का उसमें वोट पड़ेगा? हाँ। पूरे क्षेत्र को वोट पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा वोट? तो आप चाहते हो पेपर से चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मशीनें भरोसा नहीं है, मशीनों कोई भरोसा नहीं है। मशीन तो बस जाको चुनाव आयोग है, मीडिया है, हर चीज़ है, वो तो वोट वहीं जानो, तुम चाहे काऊ में दे दे मर जाओ। तो यहाँ से आपकी कौन निकल रहा है, राजवीर सिंह की देवेश शाह की? भैया हम तो अपन सपा में वोट देंगे, पंडित आदमी है, झूठ कहतना, 3 वोट है खरे वोट है सपा के, कैसे उकब्बा लो, हम ना देंगे बीजेपी में। कितनी नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है, हमें कोई बुराई ना। क्या नाम बताए थे? गौरव मिश्रा, लिख के लैया ससुरों को और कहा है। गौरव मिश्रा बहुत खफा है और बता रहे हैं कि जानवरों का मुद्दा बहुत ज्यादा है, किसान परेशान है आवारा पशुओं से। कोई मुद्दा ले लो, बेरोजगारी ले लो, 10 साल में कितनी नौकरियां दी हैं, बेरोजगारी पे उठा लो, 10 साल में कितनी नौकरियां दी हैं बताओ? पुलिस का भी फॉर्म निकला, कितना फॉर्म पड़ा, कितना पैसा आया? पेपर लीक हो कैसे गया? जब तुम्हारी सरकार इतनी मुस्तैदी से चल रही है तो पेपर लीक हो कैसे गया, इस चीज का जवाब दो हमें। तब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है उनके अंदर कि हम सब सीटें जीत लेंगे, अगर जनता में इतनी नाराजगी है तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता यार है? जब ऊपर से नीचे तक 100 में 100 बज्जुर बेईमान, फिर भी मेरा देश महान वाला नारा लगेगा तो 400 के 800 पार हो जाएगा। बोलो, 100 में 100 बज्जुर बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, वो वाला हिसाब चल रहा है अब तो। खरी खरी बोलते हैं, मैं जात का ब्राह्मण हूँ, खरी बात कहता हूँ, नहीं दूंगा वोट बीजेपी में, नहीं दूंगा, नहीं दूँ। और बताओ, किसी का कर्ज लेके नहीं खा रखा, अपनी जमीन पे जीतता हूँ, दूसरे की ये भी ना कि किसी की करने जाऊँ, अपनी खुद की पे जीतता हूँ। आपकी बातें उससे हम सहमत हैं कि आप जो सवाल उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं वो सही है। बताइए, अभी पुलिस की भर्ती निकली थी, कितनी भर्ती थी? 66000 थी, फॉर्म कम से कम 2 लाख से ऊपर का पड़ा था। 60 लाख फॉर्म पड़ा था भाई, 50 लाख 60 लाख पड़ा, 60 लाख फॉर्म पड़ने के बाद वो पैसा कहाँ गया? सही बात है, पेपर लीक होने से बड़ा छात्रों का भविष्य अंधकार में। वो पैसा कहाँ गया? सरकारी खजाने में गया। सरकारी खजाने में, अब उस सरकारी खजाने में जो पैसा चला गया उससे सरकार क्या कर रही है? क्या बच्चों को लौटा दिया वो पैसा? वो तो कह रहे फिर पेपर है, वो भर्ती फिर निकालेंगे। कब निकालेंगे? तारीख तो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? तैयारी हो रही होगी अभी फिर से निकालने की। भाई साहब, इनने 10 साल में अभी तक तैयारी नहीं कर पाई, अब कौन से, अब या तो इलेक्शन जीत गए तो तैयारी है, नहीं जीते तो बाढ़ में जाए, पैसा तो आ ही गया सरकारी खजाने में। बीजेपी वाले नारा लगाते हैं जय श्री राम जय श्री राम, बुरा मत मानना, नारा तुमने बनाया। तुम कह भी रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, नारा तुमने बनाया, तुमने नारा बनाया, अच्छी बात है। ना राम को आप लाए, ना हम लाए, दशरथ जी लेके आए थे राम को, ना दशरथ जी का ब्याह होता ना राम आते। राम तो सबको लाए हैं, राम सबको लाए, तुम नहीं लाए हो राम को। हम भगवान को छत देने वाले कोई नहीं है, सही बात है। भगवान को छत देने वाले हम नहीं है, भगवान हमें छत देता है, सही बात है। आप ये कहते हो कि हम राम को लाए, आप होते कौन हो लाने वाले, आपकी हैसियत क्या है लाने वाले की? सही बात है, भगवान से बड़े हो गए तुम। आप तो इसका मतलब भगवान से बड़े हो गए। फिर राम मंदिर में जितना चंदा आया इतना किसी मंदिर में आज दिन तक आया नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं उसका। बोलो, तो बेईमानी हो कहाँ नहीं रही, हर जगह बेईमानी हो रही है, लेकिन दिखाने वाला हो ना उस चीज को।
आप अभी ये चीज मेरी बना के ले जा रहे हो, ना तुम दिखाओगे ना कुछ करोगे। दिखाएंगे, ये चैनल देख लेना, इसमें मिलेगा चैनल। हमने भैया 50 देख ले, हम पूरे दिन चैनल में ही रहते हैं। नंबर देना, हम आपको लिंक भेजेंगे आपके। मेरे घर में पुलिस आर्मी कोई ऐसी चीज नहीं है जो है नहीं, हर विभाग मेरे घर में है। मैं आपको लिंक भेजेंगे। बैंक मैनेजर, पुलिस, आर्मी, टीचर सब मेरे घर में है, कोई ऐसा नहीं जो है नहीं। मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप भी जानते हो राम मंदिर पर करोड़ों अरबों खरबों रुपए आ गया चंदे में, गया। पैसा गया कहाँ? क्या बीजेपी वालों ने अपनी जेब से लगाया उसमें पैसा? नहीं, वो तो जनता का पैसा है। हैं? जनता का है। बताइए तो ये राहुल गांधी आज का क्या लग रहा है? राहुल गांधी से कुछ उम्मीदें हैं? राहुल गांधी का हमारे यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ से सीट किसकी निकलेगी? यहाँ से अखिलेश यादव की। एटा से, कासगंज से, वहाँ एटा कासगंज लोकसभा कौन जीतेगा? अब की बार हमारे सपा की सीट निकलेगी, बीजेपी मुश्किल है। क्यों? हर आदमी परेशान आ चुका है। राजवीर सिंह तो यहाँ तो दो बार सांसद रह चुके हैं। कितने भी रह ले, आदमी आदमी का भाव हो जाता है। हम भी देखेंगे तो अपनी स्वेच्छा देखेंगे। हमने आपको दो बार बना दिया, दोनों बार में आपने कोई काम नहीं करा, तो हम तीसरी बार तुमसे आस क्या लगाएंगे? तीसरी बार देवेश साग को देख रहे हैं आप? ममता साग ने ललित चुराई 16 करोड़ रुपये बोसे, तो बोसे तालुको खाए गए पूरे 16 करोड़ रुपया बॉस थाने के ताल का खा गए कि चिड़ियाघर बनाएंगे। अभी तक चिड़ियाघर का एक चिड़िया नहीं आई है। चलो चल रहे हैं 1 किलोमीटर आगे, चलो दिखा के लाएं। केवल बोर्ड लग गए कि फलाना पक्षी, चलो दिखा के लाएं। एक भी अगर पक्षी हो तो कहाँ गया वो पैसा? पक्षी बिहार बना रहे थे। हाँ, पक्षी बिहार बनना था, नहीं बना। आप चलो अभी दिखा के लाता हूँ, बना के लाना, दिखाना शाम को न्यूज पर। कहाँ है? सही बात, वादा किया वहाँ पूरा नहीं किया उसे, तो फिर हम कहाँ से वोट देंगे बताओ? आदमी परेशान नहीं, पर बात क्या है बताओ? तो कुछ और लोगों से जब पूछने, क्या नाम है भाई? वोट है तुम लोगों का? वोट है? हाँ जी। किसको दोगे आपकी? आपकी बात देखो किसको देते हैं, अभी तो टाइम वही अखिलेश को देंगे ना। अखिलेश को? क्या नाम है? सोनू श्रीवास्तव। सोनू श्रीवास्तव, हाँ जी। क्यों राजवीर सिंह को नहीं दोगे? राजवीर सिंह को क्या देना है वोट, जब मान लो कि भर्ती दिखा नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, समस्या आती है कि नहीं, पढ़ाई करते हैं, किस इंतजार में करते हैं, इसलिए करते हैं, नौकरी लगेगी, कहीं काम मिलेगा, जॉब मिलेगी, जब जॉब मिलेगी नहीं तो करेंगे क्या? बेरोजगारी बड़ी समस्या है। हाँ, बहुत समस्या है भाई। तो अब पढ़ाई करते हैं, उसमें कुछ आता नहीं है, जब वहाँ जाते हैं फार्म डालते हैं, वैकेंसी कैंसिल हो जाती है, फिर समस्या आती है, ये दिक्कत होती है। मोदी जी जो कह रहे हैं कि बहुत हमने रोजगार दिया है, अभी क्या अभी दिया था, फिर उन्होंने जब भर्ती हुई तो फॉर्म कैंसिल हो गए। पुलिस वाला? हाँ, पुलिस वाले हुए कि नहीं, कैंसिल हो गए, फिर बताओ क्या हुआ? अब जब वो जीतेंगे तब आगे चल के देंगे, ऐसा होता है कहीं? अब जीते या नहीं जीते, जब उनकी सरकार आती है ये होता है। बदलाव चाह रही जनता? हाँ जी, हमारे यहाँ तो बदलाव चाहती है। बिल्कुल। क्या कह रहे भाई, कुछ कह रहे थे? सौरभ भैया को। क्या नाम भाई जी? गौरव कुमार। गौरव कुमार, हाँ जी। मिश्रा जी तो बड़ा क्या कहते हैं, बहुत खफा है बिल्कुल। तो बीजेपी से हमारा गांव पूरा खपा है, है? पूरा गांव खपा है बीजेपी। गांव नहीं, क्षेत्र भी खपा है। क्षेत्र भी है, मेरा टयाली विधानसभा पे बीजेपी से अपोजिट ही है सब। ऐसा क्यों? राजवीर सिंह तो कल्याण सिंह के बेटे हैं, बड़े नेता हैं। अच्छी बात है, वो बेटे हैं लेकिन काम तो कुछ नहीं कर रहे, मिलने भी नहीं आते जनता से। 10 सालों में उन्होंने अभी यहाँ पे एक बार भी दर्शन नहीं दिए हैं, यहाँ पे एक भी बार नहीं आए हैं। जीतने के बाद नहीं आए? नहीं नहीं, ना जीतने के बाद आए हैं ना अब आए हैं, अभी भी कन्वेंशन भी चल रहा है, तब भी वोट मांगने आए हैं? नहीं आए हैं वो, ना आए। अगर आ जाएंगे तो मन बदल जाएगा? नहीं, वोट नहीं देंगे। वोट देंगे ही नहीं? वोट तो समाजवादी पार्टी को देंगे। मन बना लिया आपकी? पूर्ण रूप से बना रखा है, और सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि समाजवादी पार्टी को वोट दें। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तो कहते हैं कि मोदी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा। नहीं नहीं, वो अब तो सांसद के ऊपर है, मोदी जी कुछ बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कैसे? जैसे कि उन्होंने कहा था, अभी केजरीवाल को बंद कराया उन्होंने, किस मुद्दे पे बंद कराया है? घोटाले पे कर दिया उन्होंने, घोटाला कर दिया। एक भी साबित हुआ घोटाला? मुकदमा चल रहा है। नहीं तो फिर बंद क्यों है? बेल मिलनी चाहिए ना। आपका मानना है कि मतलब गलत तरीके से बंद कर दिया उसको? हाँ, गलत तरीके से बंद कराया। जब अगले इंसान पे किसी भी चीज का दावा आपने नहीं ठोक पाया तो आपको हक नहीं होता है कि जेल के अंदर अगला आदमी रहे। अगर हम आप हैं, हम पे कोई अगर इल्ज़ाम साबित नहीं होता है तो हम जेल में क्यों जाएंगे? तो सरकार कह रही है कि शराब घोटाले का आरोप है, उन्हें पैसा लिया तो वो दिखाओ तो सही। अब ऐसे तो हम भी कहते हैं कि अभी जो 66,000 भर्ती निकली थी उसका पैसा कहाँ गया? वो घोटाले में चला गया। तो इसके चक्कर में तो फिर सरकार को भी जेल जाना चाहिए, योगी महाराज को। वो क्यों नहीं जाते जेल? उन्हें भी भेज दो। लग रहा है कि बीजेपी अपने विपक्षी दलों को
जबरदस्ती परेशान करके जेल भेज रही है। वो तो है ही, विकास दुबे जो मारा गया था, अब मेरे मुंह से कह लो, विकास दुबे जो मारा गया था उसके दोनों पैरों में रोड पड़ी थी, ठीक, आठ गाड़ी साथ चल रही है, इतने से गड्ढे में गाड़ी एक ही पलटा लेके गिरेगी जो 100 की स्पीड पर चल रही है, आप ही बताइए, गाड़ी गिरेगी 100-150 की स्पीड में, चार चार पलटे लेके खाई में गिरेगी, ये नहीं है कि ऐसे उठेगी ऐसे रख जाएगी, फिर उसको आपने गोली मारी। वो तो बदमाश था ना, भले ही बदमाश था, एनकाउंटर आपको करना था तो फेक नहीं करना था, जिसके दोनों पैरों में रोड पड़ी है वो किसी की बंदूक लेके भाग नहीं सकता, ना गाड़ी में से लॉक तोड़ के भाग सकता है, जब आपकी इतनी मुस्तैदी से चल रही है तो फिर वो मारा कैसे गया, आपको कुछ भी करना था उसके साथ एक्शन लेना ना, आप जेल भेजते हो उससे कार्रवाई करते, कार्रवाई की जाती, ये थोड़ी ना कि हल्के से गड्ढे में गाड़ी जाके पलट गई और एक ही पलटा लेके रखी और दूसरा पलटा नहीं लिया गाड़ी ने। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया, विकास के गंगा बहा दी है, राम मंदिर बना दिया है, काशी विश्वनाथ बना दिया है। जब पहली बार योग मोदी जी आए थे तो उन्होंने कही थी हम गंगा को साफ करेंगे, गंगा इनने कहाँ की साफ कर ली बताओ, हमारे यहाँ कादर चौक गंगा जी है, घाट है, पूरे क्षेत्र का, जिले का, दो तीन जिले का आदमी आता है गंगा नहाने के लिए, आज दिन तक केवल 5 ऐसे चबूतरे नहीं बनवा पाए जिस पर लेडी ने खड़े होकर अपने कपड़े भी बदल लें, तो इनने क्या विकास करा लिया गंगा जी पे। हाथरस कांड को लेकर, हाथरस कांड हुआ था लड़की वाला, क्या कराया, क्या कराया, आप न्यूज वालों को ही अंदर नहीं जाने दिया, और दूसरे की बात छोड़ो, किसी को नहीं जाने दिया, क्यों नहीं जाने दिया, सच बाहर आ जाएगा तो सच क्यों नहीं आने दिया बाहर, बोलो मेरी बात का जवाब दो, सच बाहर क्यों नहीं आना चाहिए, आप दूसरी पार्टी का होता है तो उसके घर तक का, उसके रिश्तेदार तक का, उसके पूरे खानदान को खकोल लोगे, तुम्हारी पार्टी का अगर कोई फंसता तो सच बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए बताओ, आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, क्यों नहीं जाने दिया, क्यों आप लोग दिखाएंगे, मीडिया पे रोक लगाई थी, मीडिया पे क्यों रोक लगाई, पुलिस है उनके पास कुछ भी कर सकते हैं, विकास दुबे मारा गया था तो आप लोगों को पहले ही 15 किलोमीटर पहले टोल पर रोक दिया गया था, उसके बाद विकास दुबे मारा गया था, आपके साथ चलते में क्यों नहीं मारा गया, कहाँ सामने थोड़ी काउंटर होता है, मीडिया के सामने कहाँ एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर नहीं होता, अभी ये जो मारा गया क्या नाम है इसका, अतीत अहमद मारा गया, पुलिस की इतनी मुस्तैदी में अतीत अहमद को गोली कैसे मार दी, कैसे लगी, कैसे मारी गोली बताओ, पुलिस की इतनी कस्टडी होते हुए भी, गुंडा था तो ये भी तो गुंडे है, गुंडा है कौन नहीं, पुलिस कस्टडी में मरवा रहे हैं, पुलिस कस्टडी में मरवा रहे हैं, ममते साथ हमारे यहाँ से 16 करोड़ रुपए थाने के तालका खा गया, क्या ये गुंडा नहीं है, क्या परिवर्तन होगा, अगर इतना गुस्सा है तो परिवर्तन होगा जनता में, बिल्कुल होगा, वोट ही नहीं मिलेगा तो परिवर्तन तो अपने आप होगा, हम तो दूसरा चेहरा देखेंगे, नहीं देखते बीजेपी को, फिर सही कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, दो बार आपको चांस दे दिया आपने, हमारे लिए कुछ नहीं करा, तीसरी बार बस हम हाथ जोड़ लेंगे। चाचा जी ये तो बड़ा गुस्सा है, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहा, सही कह रहे हैं, बिल्कुल, जबकि बीजेपी को वोट यहाँ से नहीं मिलेगा, बीजेपी को यहाँ से वोट नहीं मिलेगा, क्यों, वो तो कह रहे बड़ा काम कर दिया किसानों की, बड़ी मदद कर दी किसानों को, पैसा दे दिया, घर दे दिया, किसान ऐसा ही मारता ही और काम आ रहे हो, चलो तो क्या नाम भाई साहब का, मुकेश कुमार, ये तो सब बड़ा गुस्सा है बीजेपी से यहाँ पे, सब यहाँ तो सारे गुस्से हैं, सारे लोग गुस्से हैं बीजेपी से, इतना गुस्सा किस बात का, देख लो मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया है, राशन दे रहे हैं, फिर क्यों गुस्सा है, घंटा बनवा दिया मोदी जी ने, मोदी ने कहा बनवाया, वो तो केंद्र से है, कोर्ट से, उन्होंने कितना चंदा दिया मोदी ने, मंदिर में देखे सबसे आगे सबसे चले थे पूजा, उन्होंने की प्राण प्रतिष्ठा करी, उनकी है कुछ भी कर, वो कह रहे राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, मंदिर बनवा दिया, काशी बनवा दिया, मथुरा बाकी है भी, बस ऐसे ही सुनते रहो, सब बन जाएगी, सब जुगले कुछ नहीं, अरे तो कह रहे हैं विश्व गुरु बनाएंगे, अभी अब की बार 400 पार सब नारा दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, 150 ले आए वही बहुत है, हैं 150 ले आए वो भी बहुत है, 150 में भी शंका है, बग गए गई कहानी इनकी, क्या नाम है आपका, मुकेश कुमार, पूरा नाम क्या लिखते हैं, मुकेश कुमार माथुर, मुकेश कुमार माथुर, माथुर मुकेश कुमार माथुर, तो इतना गुस्सा है, आप ही गुस्सा है, पूरा गांव गुस्सा है, चाचा से बात कराओ ना हमारे से, चाचा तो और खफा है, हाँ बस, क्या नाम है भाई, संजय सिंह नाम है मेरा सर, संजय सिंह, हाँ, गांव वाले क्या मतलब कैसी बहकी बहकी बातें, सही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं सर, इतनी नाराजगी मोदी जी से, नाराजगी क्यों नहीं है, 10 साल से क्या करवाए भाई, किसान का कोई तो फायदा हुआ नहीं,
अरे वो तो कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई, राशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो राशन दे के ही लूट रहे हैं किसान को। डीजल 90 रुपए से ऊपर है, पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है, ठीक है। किसान का अब हो गया गल्ला, सस्ता हो गया, अब तक 25 रुपए बिक रहा था, खाते में 2000 रुपए भी तो दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं किसान को, दे रहे हैं वो बेचारा किसान क्या करे, लागत लगाएगा उसमें तो वो कट हो रहा है भाई। उतना बाहर माल जाने नहीं दोगे, सरसों का क्या रेट बिक रही थी अब क्या रेट है, किसान की हो गई मर्दी हो गई। अरे मंदिर तो बनाया भाई राम जी का, राम लल्ला के लिए मंदिर तो उन्होंने क्या बनाया मंदिर में, मंदिर जो जनता का पैसा लगा है भाई, हर गांव से चंदा गया है, मैंने भी चंदा दिया है मंदिर में, उन्होंने नहीं बनाया मंदिर, जनता का मंदिर है वो। तो कह रहे हम राम को लाए हैं, अरे वो कुछ नहीं लाए हैं, सब जनता का पैसा लगा है। पहले हमें ये बताइए, सारे गाँव वालों को लग रहा है तुमने ही भड़का रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जात का ब्राह्मण आदमी हूँ, देख लो खुल के बोल रहा हूँ, ये भी नहीं किसी से दबके वो मेरे को कोई वो बीजेपी के किसी भी नेता ने ढंग से चंदा दिया हो तो बताओ, जितना पब्लिक ने चंदा दिया है। तो क्यों मामला बन नहीं रहा है, हैं? मामला क्या है, अब की बार तो सीधा है कि भैया वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लग रहा है कि वो तो पूरी तरह वो अपना 400 पार आंकड़ा दिखाए, वो तो उनका चुनाव आयोग वगैरह सब उनका खरीदा हुआ है, तो वो तो अपना 600 भी पार दिखा दे वो भी उनके लिए कुछ नहीं है। वो तो 600 भी दिखा दे तो भी कुछ नहीं है। हाँ। क्यों, वो तो मुंह है, जो भी जितना फाड़ेगा उतना फटेगा, बोलने पे कोई टैक्स नहीं है, उसमें कोई टैक्स नहीं है। लेकिन सच्चाई सामने आए उस चीज पे उसको उसको फिर जेल भेज दो, जो सच बोले उसे जेल भेज दो। ये तो है, जो बोलेगा फिर तो जाएगा। अभी एक चीज बताइए, आप किसान को 2000 दे रहे हो, किसान को 5 किलो गल्ला दे रहे हो, फिर अभी जब दिल्ली पे कूच किया था किसान ने तो उसको कीले गाड़ के क्यों रोका गया, क्यों नहीं दिल्ली में आने दिया किसान को? वो तो कह रहे थे सब आतंकवादी हैं, हैं? आतंकवादी बता रहे थे। यानी वोट लेने के टाइम पर सारा किसान तुम्हें याद आता है, सब कुछ याद आता है, और जब कोई अपनी मांग के लिए तुम्हारे पास दिल्ली आता है तो वो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। ये कहाँ की राजनीति है? फिर आप आतंकवादी है तो उस क्षेत्र में जाके वोट क्यों मांगते हो? एटा काजन में खेला हो जाएगा लग रहा, खेला अब की बार बढ़िया करके खेला होगा, खेला क्या रेला भी होगा अब की बार, तो देखो मजा आएगा। अभी क्या है, अरे राजवीर जी आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट दे दोगे आप? ना नहीं बाप, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगी अभी, क्या आप कहोगे ऐसे कह दी, खाम खाम की बात, राजवीर बात में शांति वाली भाषा में बात करनी चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही जो मैं एक बार कह चुका कि मैं वोट नहीं दूंगा बीजेपी को, नहीं दूंगा। आप इतने आदमी खड़े हैं, अगर इनसे किसी से भी 2 आदमी से कहलवा दोगे बीजेपी में वोट देंगे, बताओ क्यों बीजेपी में वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, नहीं पड़ेगा, वोट ही नहीं बनो देंगे ना। क्या नाम आपका भैया? शीलेंद्र सिंह यादव। क्या है ये सब, तुम बड़ा मोदी जी को नाराज दिख रहे हैं? मोदी को नहीं लाएंगे अब की बार, अब की सपा आएगी यहाँ पे, समाजवादी पार्टी। पिछली बार विधानसभा में भी सपा जीती थी, अब भी लोकसभा में भी यही जीतेगी। यहाँ विधानसभा सपा जीती है? हाँ, पिछली बार मोदी और योगी जो दोनों आए थे यहाँ पर इसी गांव के पीछे, तब भी ना बनी। क्या कह रहे हो भैया? पिछली बार भी आते फिर भी सीट नहीं निकली। पिछली बार आए थे, पिछली बार फिर भी सीट नहीं निकली, और अब भी आने को अब भी सीट नहीं निकलेगी। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, और वो सर वो उसका नाम क्या, नवी जिंदल कोयला घोटाला करके उसको अपनी पार्टी में ले लिया उसको, और वो शरद रेड्डी सरकारी गवाह बना लिया, अब जनता ले लेके उससे बनाया नहीं, सजवा तक ही नहीं है ये। और बताओ, एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बनाइए, छोटी सी पूछूंगा फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। विजय माल्या करोड़ों का घोटाला करके ले गया एक, अरे रुक जाओ, एक हमारी ये छोटे से किसान है, अगर इन्होंने बैंक से 2 लाख का लोन लिया और इन्होंने नहीं चुका पाया तो इनको बैंक वाले घर तक को ले जाएंगे जेल में, कुड़की हो जाएगी, कुड़की हो जाएगी। लेकिन माल्या को क्यों नहीं लेके आते, नीलम मोदी को क्यों नहीं लेके आते? वो तो भाग गए ना देश छोड़ के, तो उनको देश से ला नहीं सकते हो? जब तुम राम को ला सकते हो तो उनको भी ला सकते हो, इतनी तो पावर होनी चाहिए। बात तो सही है, जब आप भगवान से बड़े होके राम को ला सकते हो तो नीलम मोदी विजय माल्या इन्हें सबको ला सकते हो। क्या विदेश आप जाते नहीं हो? बहुत जाते हैं, मोदी जी तो बहुत विदेश यात्रा करते हैं, तो फिर ला नहीं सकते उन्हें? उनके घर वालों की कुड़की क्यों नहीं हुई? अब कहीं मामला फंस गया होगा इसलिए नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं? उनके घर वालों की कुड़की करो ना, तब आएंगे ना वो, उनके घर वालों की करो। दो जवाब है भाई, तुम इतने सवाल उठा दिए उसका तो जवाब हमारे पास भी नहीं। ठीक है भाई, इतना बेरोजगार घूम रहा है, ये बताओ 10 साल हो गए एक भी भर्ती नहीं, कुछ नहीं है, बेरोजगार कहाँ जाएगा? 10 साल बाद योगी की तरह बाबा हो जाएगा, मंदिर में घंटा ही बजाएगा।
और कुछ नहीं पुलिस की, भर्ती निकाली तो थी 60,000 भर्ती निकाली। कहाँ गई वो 60,000? हमें भी तो दिखाओ 60,000 है कहाँ। वो हो गया लीक परिषद, क्या किया जाए? कैसे हो गया लीक? सरकार तुम्हारी सब चीज तुम्हारी लीक हो कैसे गया? अब तो कह रहे पकड़ रहे जिसने लीक किया। अभी तक पकड़ ही नहीं पाए। अंसारी भंडारी को पकड़ के गोली मार ली सर बिने, सबको तुम गोली मारते जा रहे हो, एनकाउंटर दिखाते जा रहे हो, यह छोटी सी चीज नहीं पकड़ पाई तुमने? लगे है सरकार लगी है। हाँ सरकार कद्दू लगी है। सरकार अगर लगे ही तो ज्यादा पेपर लीक हो जाता। क्या चीज? 400 किलो RDX आया था पुलवामा अटैक पे, वो अभी तक पता नहीं लगा कहाँ से आया है। पाकिस्तान पे तो कर दिया था ना कार्रवाई, एयर स्ट्राइक कर दी थी ना। फिर एयर स्ट्राइक करी उससे क्या मतलब, आया कहाँ से देश के अंदर 400 किलो RDX, ये बताओ ना मुझे। मामला गड़बड़ है लग रहा है बीजेपी के नेताओं को, यहाँ इस गांव में ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी तभी कुछ बात बनेगी। जूता सरा के रखे है भाई साहब, और बताओ माला दिखा रहे ना। बीजेपी वालों आओ वोट मांगे, अगर दरवाजे पे आओ तो जूता ही माला डाल रहेंगे। चप्पल उप्पल भी निकाल के रख दी और चाने में पहलेंगे कि हमारे करके क्या गए सो हमें बताओ। 10 साल हो गई तुम 8 दिन तक गली में भी अगर हमारी में घूम गए हो तो बताओ, अभी याद आए? अभी तुम्हें फिर बना दे, फिर 5 साल भूल जाओ तुम। मिश्रा जी हो गया ऐसी बातें कर रहे हो क्यों? मिश्रा जी इसमें क्या हो गया? है तो जनता में ही मिश्रा जी है तो क्या हुआ? है जनता है हम, हमारा मन होगा माँ वोट देंगे। ये जो थोड़ी ना तुम्हें 2 बार बना दी, 3री बार फिर बना दे लुटने के लिए। ये गुस्सा है देखिए जनता में, अशोकनगर की जनता फिलहाल बहुत खफा दिख रही है और उनका कहना है कि कुछ काम नहीं हुआ और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। धन्यवाद।